सभी दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विजय कुमार है। आप लोग तो मुर्गी पालन करती ही होंगी या करने वाली होंगी। हाँ तो बताइए दीदी, आपकी मुर्गी का तबीयत कैसी है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा नहीं है। अच्छा तो घबराने की बात नहीं है, ये दिक्कत मुझे भी हुआ था लेकिन अब मेरी मुर्गी स्वस्थ है। चलिए दीदी, तो आपको हम सुनीता दीदी के पास ले चलते हैं। तो चलिए दीदी, हम सुनीता दीदी से ही सीखेंगे कि मुर्गी को स्वस्थ कैसे रखा जाता है और क्या क्या सावधानियां बरता जाता है। हमर नाम सुनीता देवी, घर लक्ष्मीपुरा रार, और समूह के नाम जय श्री राम जीविका स्वयं सहायता समूह, ब्लॉक सरैया। हमर नाम सरिता देवी, घर लक्ष्मीपुरा रार, समूह के नाम किरण जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ और सरैया ब्लॉक। जुड़ी जाओ रे बहना जीविका में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जुड़ी जाओ रे बहना जीविका में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। पैसा है तो बहना है, पैसा नहीं तो बहना नहीं। पैसा है तो बहना है, पैसा नहीं तो बहना नहीं। जुड़ी जाओ रे बहना जीविका में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। प्रणाम सुनीता दीदी। प्रणाम सुनीता दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। कहू भैया, कौन काम से एलियै यह? दीदी अहाँ तो बहुत दिन से मुर्गी पालन करै छियै और हम सब भी मुर्गी पालन करै छी, लेकिन अहाँ से हम जानकारी लेबे अइली हँ कि मुर्गी के स्वस्थ कैसे रखल जा सकै छी, मतलब रोग मुक्त कैसे रखल जा सकै छै और कौन कौन सावधानियां बरते के होइ छै। अथी मुर्गिये के स्वस्थ रखे के लेल यहाँ दरबा में गोबर और माटी के लेप लगा रही हती और ओकरा सीख सकैले और देख भी सकैले। हाँ भैया, मुर्गिये के स्वस्थ और सफाई रखे के लेल गोबर और मिट्टी के लेप लगा रही हती। अच्छा। से ओकरा देख लियो। ठीक है दीदी। माटी और गोबर के सानै हती दरबा में लेप लगावे के लेल। भैया अब तो गोबर और मिट्टी के मिला के लेप तो हो गेले। हाँ दीदी हो गेले। एहे तरह से अथी बीच में और ऊपर में दोनों खंड में गोबर और मिट्टी के मिला के लेप लगावल जते। दीदी सप्ताह में एक बार चुन्ना और माटी के लेप लगा के दरबा में लगावे के पड़ल, पोताई करे के पड़ल, वही के लिए बनवे हती। दीदी दरबा में मुर्गी के जे दाना दिया ले, जे पैखाना कर ले, से दरबे में रह जा ले, ए चलते चूना और माटी के लेप लगावे के पड़ ले, जे कारण मुर्गी के पैखाना और दाना ओमे रह जा ले, तो उसे बीमारी हो जाले, कीटाणु पैदा होखल, फफूंदी पैदा होखल, तो चूना और माटी के लेप लगावे से हमर मुर्गा स्वस्थ रहल, जैसे बीमारी न उत्पन्न होते। दीदी रोज शाम चाहे सुबेरे एक बार दरबा के साफ करे के होते। मुर्गा जे बर्तन में पानी पिए छै ना, वो बर्तन में पानी में चूना मिला के साफ करे के पड़ल, ताकि उसे बीमारी न कोई उत्पन्न हो सकल।
दीदी यही लेखन साफ करे के हो ताकि दरबा में जे मुर्गा रहल है ओकरा कोई बीमारी न लगते। पहला दिन जब बच्चा आते ही ना कुनाई छिटला के बाद जब रखल जाते तो में बच्चा के भर पेट खाना खियावे के होते। अहाँ के कहे के मतलब है दीदी कि पहला दिन जब मदर यूनिट से चूजा आता है मुर्गी के बच्चा हाँ। तो ओकरा जे है भर पेट खिला देवे के है। हाँ भैया जो जितना खा सकते है उतना भी खा सकले भर पेट खाना खाते। ठीक है दीदी। दीदी जे दिन मुर्गा के बाहर दरबा से न निकल भाई ओ दिन भर पेट मुर्गा के दाना देवे के पड़ते ये और जैसे ओकरा प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलते। दीदी जे दिन मुर्गी के बाहर निकालै लै ओ दिना एक तिहाई दरबा में खाना देली आ दो तिहाई बाहर में चर के पेट भर लेवल है जे में कीड़ा मकोड़ा हरियरी पतिहरी सब चर के पेट भर लेवल है। मुर्गी जब 6 महीना के हो जाते तो अंडा देवे से पहले ओकरा कृमिनाशक दवाई पानी में मिला के देवे के पड़ते। भैया ये सब बात पर ध्यान देवे के होए ताकि माने मुर्गी स्वस्थ रही तो और माने गरीब दीदी के विकास होए। जानकारी के अभाव में दीदी हम सब बहुत परेशान रह लिए तो इतना सारा जानकारी दे लिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद भैया। मैं डॉक्टर पवन कुमार लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जीविका सरैया मुजफ्फरपुर से आज मैं आपको मुर्गियों में 28 दिन के बाद जो होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं और जो उससे रख रखाव आपका बेहतर हो और उससे आपकी जानकारी वाले जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये कोक्सिडियोसिस के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें कि लाल दस्त होता है और उस लाल दस्त के कारण जो मुर्गियाँ मर जाती हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। जो डल और डिप्रेस रहता है जो भी मुर्गी है जिसका जो फीसेस है लैट्रिंग है वो लाल कलर का पैखाना करेगा और उसमें जो भी कमजोरी होना चालू हो जाता है दो से तीन दिन जाकर के उसका मृत्यु हो जाती है। इसके ये हो जाती है ये आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरा है फॉल पॉक्स जिसमें बोलते हैं मुर्गियों का चेचक होना कि उसमें है कि उसके जो नीचे कॉम और बेटल होते हैं जिसका बोलते हैं तिल्ली और दाढ़ी जो होता है उस पर जो छोटे छोटे फोले टाइप के हो जाते हैं जिसके कारण वो उसका बॉडी टेम्परेचर जो उसका बढ़ जाता है शारीरिक तापमान और बढ़ जाने के कारण वो खाना पीना छोड़ देती है और उसके कारण मोर्टिलिटी उसका मरना चालू हो जाती है। तो कोशिश ये किया जाए कि उसे उसको देख रेख अच्छे से किया जाए। फॉल टाइफाइड है जिसमें कि साल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें क्या है उसमें दस्त होती है और दस्त होता है जिसके कारण
वो और उसका शारीरिक तापमान निरंतर बना बढ़ा हुआ रहता है और बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से वो खाना पीना और छोड़ देती है और उसमें भी मृत्यु हो जाती है। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या इसे लू लग जाना बोलते हैं, जिसमें है कि शारीरिक तापमान उसका बढ़ जाता है और दाना चुगना बंद कर देती है। अक्सर मुर्गियों ये इसमें इलेक्ट्रो शारीरिक में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जो कि एक एक लीटर पर एक ग्राम के हिसाब से घोल करके इलेक्ट्रोलाइट उसे दे, या फिर उसको गर्दन ऊपर एक बाल्टी पानी ले और गर्दन ऊपर करके पूरे शरीर को उसको पानी में डुबो करके 2 से 3 घंटा रखें, तो ताकि उससे ठीक हो जाता है। इन्फेक्शियस क्राइजा, इसमें मुर्गियों के आँख बंद आईलिड जो होते हैं धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाते हैं और उसके आँख जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। इसमें मृत्यु दर तो नहीं होता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन कम हो जाता है, अंडे देने की क्षमताएँ कम हो जाती है। और जब आईलिड एक साइड का आँख का जो पल्ला जो होता है वो बंद हो जाने के कारण इधर उधर भटकना चालू कर देते हैं। अंडे मुर्गियां देने लगती है तो उस समय की बीमारियां जो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन को लॉस कर कम कर देता है, उत्पादन अंडे का उत्पादन कम कर देता है। इसमें क्या है कि अंडे का जो है रुखरापन हो जाना, उसका जो शेप है उसका आकार का दिखता है, जिसके इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़ के कारण होता है, और उसे यदि ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो प्रोडक्शन आपको और अंडे बाजार में नहीं बिक पाएंगे। दूसरी बीमारी उस समय जब होती है जो है एक ड्रॉप सिंड्रोम, जिसमें होता है पेपरी, जो पेपर आकार का उसका जो सेल कवच होता है, उसका अंडे का कवच जो होता है जो पेपर के आकार का हो जाता है, जिसके कारण जो अंडे देने लगती है तो वो टूट जाता है या बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन जो है अंडे का वो लॉस में चला जाता है। इन सभी बीमारियों के बारे में यदि आप कुछ देख रहे हैं, सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है, लक्षण उसका नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में इससे आप नज़दीकी अपने पशु चिकित्सक से कंसल्ट करके उसे दवा खिलाएं और उससे आपको हानि से बचाव हो सकता है।